हेडलाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। शिवसेना ने पूछा अडवाणी की टिप्पणी किस पर लक्षित, मराठा आरक्षण हाईकोर्ट पहुंचे छात्र, ट्रांसफार्मर बने जानलेवा। अब खबरें विस्तार से। मुंबई भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी के इस ब्लॉग पोस्ट में राजनीतिक रूप से अलग राय रखने वालों को उनकी पार्टी द्वारा कभी राष्ट्र विरोधी नहीं कहे जाने की बात लिखे जाने के कुछ दिनों बाद शनिवार को शिवसेना ने यह जानना चाहा कि इनके पीछे उनका क्या मंशा थी। आडवाणी के बयान की चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है और इन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित कराए जाने को उद्वत करते हुए शिवसेना ने जानना चाहा कि उनकी टिप्पणी किस पर लक्षित है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में लिखा है कि लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रद्रोही समझाने की भाजपा की परंपरा नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस बारे में उन्होंने लिखकर अपनी संभावना व्यक्त की है। उन्होंने एक ब्लॉग में लिखा है कि ऐसा करने में उन्हें 5 लंबे वर्षों का वक्त लगा। इसमें पूछा गया है कि आडवाणी ने कहा कि अपने विरोधियों को राष्ट्रद्रोही समझने की भाजपा की परंपरा नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी के राजनीतिक रूप से असहमति रखने वालों को कभी राष्ट्रद्रोही या दुश्मन नहीं समझा, बल्कि सिर्फ विरोधी ही माना है। नागपुर मेडिकल पीजी कोर्स अंतर्गत रेडियोलॉजी मेडिसिन सहित अन्य विषयों की प्रवेश प्रक्रिया में मराठा आरक्षण लागू किए जाने के कारण खुले प्रवर्ग के छात्रों व अन्याय होने का हवाला देते हुए डॉक्टर अदिति गुप्ता, डॉक्टर अनुज लड़रा, डॉक्टर रशिका सराफ सहित अन्य छात्रों द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुर्के और न्यायाधीश पुष्पा गनेडी वाड़ा ने राज्य सरकार सीईटी सेल और स्वास्थ्य विज्ञान विद्यापीठ को नोटिस जारी कर 10 अप्रैल तक जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधि अश्विन देशपांडे और सरकार की ओर से सरकारी वकील केतकी जोशी ने पैरवी की है। विषय दन्य एक दिन पहले ही डेंटल सर्जरी पाठ्यक्रम के छात्राओं की ओर से मराठा आरक्षण को पूर्व प्रभाव से लागू किए जाने की आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने डेंटल सर्जरी पाठ्यक्रम में प्रवेश सूची घोषित करने पर रोक लगा दी थी। गोरेगांव विद्युत विभाग द्वारा नागरिकों के व जानवरों के सुरक्षा के उद्देश्य से डिस्ट्रीब्यूशन पैनल डीपी में सुरक्षा बॉक्स लगे हुए हैं। यह डीपी सड़क किनारे खेती में व जंगलों में लगाई गई है, लेकिन इसके सुरक्षा बॉक्स अधिकांश जंजर हो चुके हैं व कई स्थानों पर टूट फूट कर होकर सरेआम खुले हुए पड़े हैं। सबसेंडर टेढ़ा में आने वाले तहसील के पचवटी चिल्लाटी मार्गों पर बिल्कुल सड़क के समीप स्थित एक डीपी का सुरक्षा बॉक्स टूट फूट कर बॉक्स का एक हिस्सा महीनों से टूटा पड़ा है, जिस कारण डीपी केबल सर्किट खुले रहने से किसी दुर्घटना से इनकार किया नहीं जा सकता। इस तरह की डीपी खुले होने से दुर्घटनाएं की संभावनाएं हो सकती हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।